इस्लाम से दीनी मुताल्लिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौम अराफा यानी जिलहिज्जा की नवी तारीख, 9 तारीख का रोज़ा और उसकी क्या फजीलत है मैं यहाँ आपको बताऊँगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो इब्ने माजा में हदीस नंबर 1734 पे और अल मौसूअतुल फिकहिया में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 331 पे फ़ज़ाइल असर ज़िलहिज्जा में सफ़ा नंबर 23 खोल कर देखिएगा, ये बातें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है, 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा है ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब है। अब जो गैर हाजी हैं, जो हज करने नहीं गए हैं, जो अभी हज नहीं कर रहे हैं, गैर हाजी के लिए मुस्तहब है, मुस्तहब अच्छा है, बेहतर है, रखना चाहिए। और जो हाजी हैं उनके लिए तफसील है। तफसील यह है कि अगर हज करने में कमज़ोरी वाक़ हो जाए, अगर हाजी जो है अगर ज़ोफ़ और कमज़ोरी का अंदेशा हो तो फिर उसके लिए मकरूह है, बेहतर नहीं है, रोज़ा नहीं रखे। जो हज करने गए हैं, हाजी हैं, हज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, हज पे गए हुए हैं, उनके लिए है। अगर वो कमज़ोरी का अंदेशा कर रहे हैं, कमज़ोर हो जाएंगे या फिर जो है हज में खलल पैदा होगा रोज़े की वजह से, तो उनके लिए रोज़ा रखना मकरूह है, अच्छा नहीं है, रोज़ा नहीं रखें। और अगर हाजी भी इतनी ताकत है कि रोज़ा रखने के बाद भी उनके अंदर इतनी ताकत है कि कमज़ोरी वाक़ नहीं होगी, रोज़े में कोई खलल पैदा नहीं होगा, उनके लिए कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी, तो जो है उनके लिए जो है हज करने में कोई जो है रुकावट नहीं है, तो फिर बिल्कुल उनके लिए भी मुस्तहब है, बिला तरद्दुद उनके लिए भी मुस्तहब है ये रोज़ा रखना। अरफा का रोज़ा, अरफा का रोज़ा कहा जाता है इसे, अरफा कहते हैं 9 ज़िलहिज्जे को। तो अब जो है 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा है ये मुस्तहब रहा, तो इसका जो है इसकी फजीलत हदीस में है कि ये जो है 1 साल आइंदा और 1 साल गुज़िश्ता, जो 1 साल अभी आने वाला है और 1 साल जो पिछला गुजर चुका है, इनमें जो आप गुनाह किए हैं ये सारे माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन अगरचे यहाँ पर जो है गुनाह सगैर जो है माफ़ किए जाते हैं, गुनाह कबाइर यहाँ पर नहीं है, गुनाह कबाइर तो तौबे से ही माफ़ होंगे और दूसरी बातें हैं, लेकिन ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है, बहुत बड़ी फजीलत है अरफा के रोज़े का, बहुत बड़ा जो है ये सवाब है इसमें, बहुत बड़ी फजीलत, सबसे बहुत बड़ी फजीलत है। 2 साल, 1 साल तो गुज़िश्ता पिछला और 1 साल आइंदा आने वाला साल, 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, गुनाह सगीरे जो छोटे छोटे गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा बिल्कुल, 2 साल के गुनाह, बहुत बड़ी फजीलत है ये। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ तक रोज़े की बात है, आप जो है अरफे की नियत करें कि अरफा का रोज़ा रख रहा हूँ या जो है 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख रहा हूँ, आप इस तरह नियत करके आप रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखने चाहिए और रोज़ा रखना बहुत सवाब है, इसमें बहुत बड़ी फजीलत हदीस में वारिद है। अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला दीनी तरबियती व इस्लाही चैनल, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं। अगर आप मसला मसाइल पूछना चाहें तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका जवाब मुस्तकिल वीडियो बनाकर दिया जाएगा। उसके अलावा इस चैनल में उलमाए इकराम के बयानात, हमदोनात, ख्वाबों की ताबीरें, अकाबिर के मुजर्रब वज़ाइफ और इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोस पा सकते हैं।